राजा भोलेनाथ। दोस्तों 11:40 हो गए, 11:40 AM। और चलिए पहले मार्केट देख लेते हैं। डिस्क्लेमर आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बिलो द टाइटल, उसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है मेरा डिस्क्लेमर। और डिस्क्लेमर में यही लिखा हुआ रहता है कि ये जितने भी मैं व्यू दे रहा हूँ ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो उसके प्रॉफिट और हानि के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो आप देख सकते हो निफ्टी नीचे खुला 645, लेकिन 706 कल की क्लोजिंग थी फ्यूचर में, तो उसको मिलाने के लिए 700 का हाई मार दिया इसने। तो ये गैप गैप छोड़ा नहीं, और आज ऐसा लगता है मुझे कि आज 600 के नीचे की ही क्लोजिंग आएगी, 600 के नीचे की क्लोजिंग आनी चाहिए आज के दिन में। हो सकता है 550 के भी नीचे आ जाए आज, ठीक है। दूसरा, आपको मैंने बहुत चिक चिक के देखिए कोटक का चार्ट भी दिखाता हूँ, मैंने आपको चैलेंज करके बोला था। एक सेकेंड, कोटक महिंद्रा बैंक का मैंने चैलेंज किया था आपको कि 1909 आएगा, जबकि ये ऊपर में कहाँ तक गया था, 2077 भी गया, तो भी मैंने बोला कि ये 10 से 12 दिन में ही 1909 आएगा। 10 से 12 दिन, ये कितनी तारीख की बात है, 28/9 की। उस दिन 2077 भी गया, 2077 फ्यूचर में 2082 तक गया था। तो मैं फ्यूचर का भाव बोल रहा हूँ 1909 आएगा अगले 4 से 5 ट्रेडिंग डेज में, हाईएस्ट समझ लो 6 ट्रेडिंग डेज में 1909, जबकि 2077 28/9 का हाई है। और अक्टूबर मंथ का भी अगर हम हाई देखें, तो आप देख सकते हो एक कंटिन्यू वहां से गिर रहा है। और अपने 20 EMA को छूने के लिए आ रहा है। अब इसका 20 EMA सिंपल करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल करना पड़ेगा मुझे, यहाँ गड़बड़ हो गया। 20 EMA इसका 21 क्यों कर दिया है? तो इसको 1909 आना है। अब क्यों आना है ये मेरी एक स्टडी है, उसके हिसाब से मैंने बताया। आए नहीं आए भोलेनाथ की कृपा, क्या हुआ, नेट चला गया क्या? यस नेट चला गया, क्योंकि मैं नेट स्टार्ट कर देता हूँ, किसी कारण से नेट चला गया होगा। हॉटस्पॉट लेना पड़ेगा मोबाइल से। आ गया, तो कोटक बैंक फिर से मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो इसका 20 EMA 1952 है, तो 1952 तो डेफिनेटली आएगा। अब आ जाइए, कुछ स्किप बता देता हूँ, एक और आपको एक थोड़ा सा तहलका लगेगा। ये आपको इसी महीने में, अभी आज का हाई बनाया 198 कोल इंडिया, अभी 194.15 चल रहा है। स्टॉप लॉस आपका 206 रहेगा, 206 169 डेफिनेटली आएगा इसी महीने में, 169। लेकिन वही है, मेरा डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा, अंधाधुन कोई भी काम मत करिएगा, लॉस भी हो सकता है। 169 ये डेफिनेटली आएगा इसी महीने में। और एक जो कल मैंने बताया था, NTPC
ये 137 अगले 4 से 5 दिन में, 4 दिन में, 4 ट्रेडिंग डेज में डेफिनेट, 4 से 5 ट्रेडिंग डेज में 137 जरूर आएगा। एनटीपीसी इनकी लॉट काफ़ी बड़ी है, एनटीपीसी की 5,700, ऑल इंडिया की 4,200। चलिए ये सब बातें आप देख लीजिएगा, मिला लीजिए। क्या भाई सब सब चेंज हो गया भाई, एनीवे ये सब ठीक करना पड़ेगा मुझे। एनीवे अभी मैं वीडियो एंड करता हूँ, बाकी का बाद में।